एक्ट्रेस दलजीत कौर इन दिनों अफ्रीका ट्रिप पर हैं। यही कारण है कि वो रियलिटी शो बिग बॉस 16 हर दिन देख नहीं पाती हैं। लेकिन जब एक करीबी दोस्त से उन्हें सालिन भनोट की हरकत का पता चला तब वो खुद को रोक नहीं पाई। दरअसल रूमर्ड गर्लफ्रेंड टीना दत्ता संग बातचीत के दौरान सालिन ने अपनी हद पार कर दी थी। हर एक छोटी बड़ी बात पर माँ की कसम खाने वाले सालिन ने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने टीना को अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए बड़ी आसानी से बेटे की कसम खा ली। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी सालिन कई बार बेटे के नाम पर गेम खेलते नजर आ चुके हैं। इस पर टीना ने भी सालिन को समझाने की कोशिश की थी कि बेटे को बीच में लाना सही नहीं है। सालिन भनोट और टीना दत्ता के बीच जो खिचड़ी पक रही है उसे समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। पहले दिन लोगों को लगा कि शायद बिग बॉस के इस सीजन में सौंदर्य और सालिन की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए सालिन की जिंदगी में, और या फिर यूं कहें कि गेम में टीना दत्ता आ गई। अब टीना को सैकड़ों बार प्यार का इजहार कर चुके सालिन को इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि अपने बेटे को हर छोटी बात में दांव पर नहीं लगाते। बातों ही बातों में सालिन ने बेटे की कसम खाकर बड़ी गलती कर दी है। सालिन भनोट की एक्स वाइफ दलजीत कौर ने इन दोनों के रिश्ते पर कभी उंगली नहीं उठाई, बल्कि टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में दलजीत ने कहा कि सालिन को फिर से प्यार हुआ है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जब बात बेटे की आई तब दलजीत खुद को कैसे रोक सकती हैं? वो खुद तो इंडिया में नहीं है, लेकिन एक खास दोस्त के जरिए सालिन को समझाया कि बेटे का नाम इस तरीके से दांव पर लगाना उन्हें हरगिज मंजूर नहीं। दलजीत के दोस्त ने साफ किया कि उनकी और दलजीत की इस बारे में बात हुई, किस तरीके से हर झगड़े और छोटी बातों में सालिन अपने बेटे का नाम लाते हैं। दलजीत के दोस्त ने बताया, दलजीत अपने बेटे को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है, सालिन उसके पिता है और वो अपने बेटे का नाम ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे इस स्टोरी पर आपका क्या है कहना हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बिग बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।